गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वेलकम टू यू फॉर लर्निंग अ न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 10, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम. देखिए, न्यू एम्पायर्स क्या होते हैं? नए साम्राज्य और राज्य. की यू नो दैट कि अगर अभी तक हमने हमारी हिस्ट्री में जो भी चैप्टर्स पढ़े, हमने देखा कि अलग अलग राजा हुए, हमने अशोका के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि इतिहास की चीज़ें हमें किस प्रकार के शहर हुआ करते थे, किस तरीके से फार्मर्स पैसा कमाया करते थे, यू नो लोगों की अर्निंग के सोर्सेज क्या होते थे. अब देखिए कि ये जो नया चैप्टर है प्रशास्तीस एंड व्हाट डिटेल अस. देखिए प्रशास्ती क्या है? प्रशास्ती जो वर्ड है ये कैसा वर्ड है कि ये जो एक बच्चों एक है ना, पूरे के पूरे जो यू नो वट के जो हम जैसे इतिहास के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में, तो हमने देखा कि जो अशोका के जो प्रीचर्स थे, यू नो वट कि अशोका ने अपने जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने साम्राज्य की उसके बारे में लिखी थी. तो ये सब जो प्रशास्तीज है ये एक अलग ही प्रकार का यू नो वट एक अभिलेख इंस्क्रिप्शन है, यू नो कि जिसमें क्या लिखा गया है. ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना. तो देखिए प्रशास्ती लिखने का तात्पर्य का रीजन क्या था. तो देखिए, अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ डायनेस्टी नॉन एज द गुप्ता. कि देखिए एक स्टोरी जिसमें अरविंद नाम का लड़का, जो कि एक बहुत फेमस रूलर, यू नो जो गुप्ता डायनेस्टी के एक बहुत फेमस राजा थे, उनकी एक्टिंग के बारे में ट्राई करने का कोशिश कर रहा था. वी न्यू अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम लॉन्ग इंस्क्रिप्शन. देखिए, और जो ये समुद्रगुप्त कौन थे, देखिए ये वर्ड हमने पहले नहीं सुना. तो देखिए, समुद्रगुप्त भी गुप्ता डायनेस्टी के एक राजा थे, इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिलर एट अलाहाबाद. और उनके बारे में जो हमें अभिलेख कहाँ से पता लगते हैं, अलाहाबाद में अशोका के जो स्तंभ बने हुए, पिलर्स बने हुए. इट वॉज कम्पोज काव्य बाय हर्षना, हु वॉज अ पोइट एंड मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त. जिसमें क्या लिखा गया कि उन्होंने पोइट्स के रूप में, तो देखिए हरिष्णा जो थे, हरिशेन जो कि पोइट थे, कवि थे एक, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि के रूप में कार्य करते थे, और वहाँ पे उन्होंने राजा की प्रशंसा जो लिखी वो सब बातें हमें कहाँ पता लगी, अशोका के इलाहाबाद में जो स्तंभ है वहाँ से. दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ ए स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशास्ती. तो हम बोलेंगे कि प्रशास्ती जो है ये एक ऐसा अभिलेख, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है. इट इज़ कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, ये संस्कृत भाषा के शब्द से बना, मीनिंग इन प्रेज ऑफ. देखिए प्रेज ऑफ का मतलब होता है प्रशंसा, मतलब तारीफ करना. वाहिल प्रशास्ती इज व कम्पोज फॉर सम ऑफ द रूलर एंड रीड अबाउट इन चैप्टर 9, सच एज गौतमीपुत्रा, श्री सत्कर्णी, दे बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास. अब देखिए समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें क्या लिखा है, देखिए. लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्त प्रशस्ति टेल अस. द पॉइंट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वन विक्ट्रीज इन बैटल, हु वाज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ पॉइंट. ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड. द प्रशस्ति इज वर कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस, हेयर इज अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस. तो देखिए कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति वो हमें क्या बताती है कि जो हर्षेन है, कवि जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में, उन्होंने क्या बताया कि राजा को एक ऐसा व्यक्ति बनाया जो कि कैसा योद्धा, जो युद्ध लड़ने में, जो कि युद्ध को जीतने वाला राजा है. साथ ही उन्होंने बताया कि वो एक उत्कृष्ट कवि भी थे. यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला कि हमारे जो राजा हैं उन्हें हम भगवान के रूप में देखते हैं. और उसके अंदर बड़े बड़े जो प्रशस्तीज है उसमें समुद्र के बारे में जो प्रशंसा की गई है वो बड़े बड़े तथ्यों के रूप में, बड़े बड़े वाक्यों के रूप में दिए गए. तो वैसे ही एक छोटा सा एक यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट. देखिए सो देखिए समुद्रगुप्त द वॉरियर. देखिए यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है. तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बींग कवर्ड विद द प्लानिटिनियस ब्यूटी ऑफ द मार्क ऑफ हंड्रेड ऑफ स्कार्स कॉज्ड बाय बैटल एक्सेस, एरो, स्पाइक, स्पीयर्स, बार्ब्ड डार्ट्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब, जेवलिन्स, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज एंड मैनी अदर वेपन्स. तो देखिए जो हर्षेन थे उन्होंने क्या लिखा कि जिनका जो शरीर है, और समुद्रगुप्त के बारे में, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में, यू नो कि जब हम युद्ध में फाइटिंग करते हैं तो उस समय तलवारें, तीर, भाले, बच्चे और यू नो लोहे की जो गदाएँ होती उनका उपयोग होता है. तो उसकी वजह से राजाओं को लड़ते लड़ते उनके शरीर पे चोट लग जाती, घाव लग जाते हैं. तो उन्होंने बोला कि जो समुद्रगुप्त का जो शरीर था वो इतने बड़े पराक्रमी योद्धा थे कि इसकी वजह से उनके शरीर पे इतने अधिक घाव हो गए थे, जो घावों के निशान थे, इसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत दिखता था. यू लुक एट द मैप. तो देखिए ये जो है प्रशस्तीज हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्रशस्तीज से हमें जानकारियाँ मिलती है कि इसके अंदर जो अलग अलग. अब देखिए इफ़ यू लुक एट द मैप 7, देखिए यहाँ पे हमें एक मैप गिवन है. यू विल नोटिस एन एरा शेडेड इन ग्रीन. देखिए इसमें जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है ये किस रूप से दिखाया गया, ये किस चीज़ को प्रेजेंट करता है. यू विल ऑल्सो फाइंड द सीरीज ऑफ रेड डॉट्स. उसके अलावा देखो आपको यहाँ पे रेड रेड बिंदु भी नजर आ रहे हैं. ओके,
along dots the core, east core, and you will find areas marked in purple as blue as well. और कुछ हिस्सा पर्पल कलर से और कुछ एरिया आपको पिंक कलर से भी नज़र आ रहा है. दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन प्रशास्ति. ये जो मैप किस पर बनाया गया है कि जो प्रशास्तीज हैं समुद्रगुप्त और अन्य राजाओं के बारे में उनके ऊपर. हर्षेना डिस्क्राइब फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टू वर्ड देम. जो हर्षेना जो है उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने चार अलग अलग राजाओं के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि जो समुद्रगुप्त की पॉलिसीज थी वो कैसी हुआ करती थी. तो उन्होंने देखो बताइए, देखिए फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त द एरिया शेडेड इन ग्रीन. कि आर्यवर्त देखिए जो ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया ये बोल रहे हैं कि उन शासकों का है. नाइन जो मैप जो रूलर्स थे, हेयर देयर वर नाइन रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर. ये वो हिस्सा है आर्यवर्तों का जिन पर समुद्रगुप्त ने जिनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया था. ये नौ राजा थे और उनके राज्यों का मतलब ये जो हिस्सा है जो कि कौन कौन सा है, कनौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वहाँ के शासकों को समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके लैंड को अपने कब्जे में कर लिया था. देखिए द रूलर ऑफ दक्षिण पंथा, हेयर देयर वर 12 रूलर्स सम ऑफ हूज कैपिटल मार्क्ड विद रेड. अब देखिए यहाँ पे जो ये डॉट्स बने हुए हैं ये 12 राजाओं की कैपिटल्स थी, यू नो 12 शासक से उनकी राजधानियाँ थी. दे सरेंडेड टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन. और देखिए ये वो राजा थे 12 जिन्होंने समुद्रगुप्त से हार कर अपनी पूरी की पूरी प्रजा और अपना शासन जो था वो समुद्रगुप्त के अधीन कर दिया था, उनको सरेंडर कर दिया था. द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग आसाम, कोस्ट बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गना संघ इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल. अब देखिए ये जो पूरा देखिए कितना बड़ा जो हिस्सा है, देखिए जिसके अंदर ये जो पूरा का पूरा है ना पर्पल शीट से है. दे ब्रॉड ट्रिब्यूट, फॉलो हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कॉर्ट. तो ये सब वो राजा थे जो कि हमारे देश के जिसमें असम, बंगाल, नेपाल और ईस्ट वेस्ट के जो बहुत सारे संघ थे ये समुद्रगुप्त के लिए क्या करते थे, महंगे महंगे तोहफे लाया करते थे और साथ ही साथ उनके ऑर्डर्स को और उनको फॉलो किया करते थे. ओके द रूलर्स ऑफ द आउटलिंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू. अब देखिए ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई हमारा देश यहाँ तक है, अब इसके बाहर का जो हिस्सा है वो कैसा है, ब्लू कलर का. आउटिंग एरिया मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिसेंट्स ऑफ द कुशान एंड शाक एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज. ये वो राजा हुआ करते थे जो कहाँ के थे, श्रीलंका के राजा जो कुशान और शक जो थे, जो शाक थे उनके जो डायनेस्टी के थे और वो अपने पुत्रियों के लिए वो समुद्रगुप्त से इतना डरते थे कि वो अपने पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करवाया करते थे. ओके तो देखिए कि किस प्रकार से जो हर्षेन है उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में कितनी अधिक तारीफ की है. अब देखिए जानालॉजीज का क्या मतलब होता है, जानालॉज मतलब जनरेशन, वंशावलिया, कि जिसमें किसी भी राजा की वंशावलिया मतलब बताते हैं. तो मोस्ट प्रशास्तीज ऑल्सो मैंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूल. कि जो प्रशास्ती है उनमें उनके पूर्वजों का भी डिस्क्रिप्शन होता है. दिस वन मैंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर. और ये जो प्रशास्तीज हैं उसमें समुद्रगुप्त के जो दादा, उनके भी दादा, उनके पिता और माता के बारे में बताती है. हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गना के. अब उनकी जो माता थी वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी एंड हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा अधिराज. और देखिए तो समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त के. देखिए जिन्हें किस रूप की पदाधि दी गई थी, उपाधि दी गई है महाराजा अधिराज, मतलब महाराजाओं के भी राजा. अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर. ग्रैंडफादर आर मैंशन सिंपली एज द महाराजास. और ये भी था कि जो समुद्रगुप्त के जो दादा जो परदादा थे वो उनको भी किस रूप में देखा गया है, महाराजाओं के रूप में. इट सीम एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस. और देखिए कि पहले पिता जो दादा थे वो राजा थे, फिर उनके जो पति थे उन्हें और भी महाराज अधिराज के रूप में देखा गया. तो इस वजह से इनके जो जनरीज है, जो इनकी जनरेशन है, उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई. तो देखिए समुद्रगुप्त इंटरन फिगर इन द जर्नलीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ लेटर रूलर ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त सेकंड. वी न्यू अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन. ही लेड एन एक्सपेंडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकेम द लास्ट ऑफ शकास. अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव हिज कॉर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल इंक्लूडिंग कालिदास द पॉय, द आर्यभट्ट, द एस्ट्रोनॉमर अबाउट हुम यू विल रीड मोर इन द
चैप्टर 11। तो देखिए समुद्रगुप्त के बारे में, देखिए हमें उनके शासक जो उनके पूर्वज थे उनके बारे में पता चला, लेकिन हम देखेंगे कि उनके जो बेटे थे, समुद्रगुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, कि उनकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है, इन्हीं सब इंस्क्रिप्शन से। उसमें ये पता लगता है कि उनकी जो चंद्रगुप्त सेकंड थे वो बहुत ही पराक्रमी राजा थे और उन्होंने अपने शासनकाल में सिक्के चलवाए और उन्होंने जो भारत के जो पश्चिम जो सेना थी वेस्टर्न इंडिया तक अपना बिल्कुल यू नो सैन्य अभियान चलाया और वहाँ के जो शासक थे उनको हराया। और बाद में ऐसा माना जाने लगा कि उनका और साथ ही साथ उनके राज्य में जो रहने वाले जो कवि लोग थे यू नो उनके समय में जो साहित्य है और जो यू नो साहित्य लिटरेचर की हम बात करते हैं यू नो ज्ञान की, कि उनके समय में जो बहुत ही पढ़े लिखे जो लोग थे उच्च विद्वान लोग थे उनको सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए जिनके अंदर कालिदास जैसे लोग जो कि महाकवि हैं देश के, आर्यभट्ट जिन्होंने खगोल शास्त्र की गणना की है रचना की है, तो ये सब किसके कोर्ट में रहा करते थे, चंद्रगुप्त सेकंड। ओके अब देखिए ये जो सारे जो थे चंद्रगुप्त सेकंड समुद्रगुप्त कौन से डायनेस्टी के हैं बच्चों, ये है गुप्ता डायनेस्टी के। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि गुप्त वंश के हम लोगों को पता चला, लेकिन कुछ एक ऐसे शासक हैं जिन्हें हम हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में हम कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके थैंक यू ऑल।